Assalamu alaikum and welcome back to another video. Oh bhai, abhi main Malaysia Kuala Lumpur airport aaya hu aur again traveling. Bhai itna lamba safar hai, ek gaadi mein baith ke main thak gaya. Itna lamba safar tha. Kuala Lumpur city jo hai wo airport se 45 km ke distance pe hai. काफ़ी सफ़र, एक तो बारिश हो रही थी, ऊपर से अंधेरा है, कुछ देख भी नहीं पा रहे थे बाहर, और बस गाड़ी में यूं बैठे थे, ना नींद आ रही थी तो सही तंग हो गया था. अभी एयरपोर्ट पहुँचे तो थोड़ी लाइटिंग वगैरह देख के मूड अच्छा हो गया. ये देखे राइस और हमारी जो चेक इन है वो अभी नहीं स्टार्ट हुई, हम थोड़ा पहले पहुँच गए हैं, तो अभी उसमें 30 से 40 मिनट है, तो इस वजह से हम यहाँ पे ऐसे ही घूम. चेक करो, दुनिया घूम रही है. और ये कंट्रीज़ के नाम्स, पाकिस्तान नहीं है इसमें फ़िलहाल. यहाँ जाना है भाई मुझे, यहाँ लेके चलो मुझे. इन दोनों जगह में कहीं भी लेके चलो मुझे. देखो भाई लाइन देख रहे हो, यहाँ से गई है ऐसे मुड़ी है, फिर वहाँ से वहाँ पीछे से स्टार्ट है और हम यहाँ पे खड़े हैं. पता नहीं ये लाइन कैसे ख़त्म होगी और इतने सारे लोग. जैसे ट्रैफिक सिग्नल ख़राब हुआ है और सारे जो है वो सिग्नल ऑन होने का वेट कर रहे हैं और सिग्नल खुल ही नहीं रहा, ये सारे कब से खड़े हैं, लाइन जो है वो मूव ही नहीं हो रहा. तकरीबन 15-20 मिनट हो गए लाइन वहीं पे खड़ी है, कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा है कि हम आगे जाए. ओ भाई व्हाट्स गोइंग ऑन, देखो कहाँ तक लाइन गई है, हाँ दूर तक गई है और हम अभी भी आप वेट कर रहे हैं, नहीं ख़त्म हो रहा लाइन. An eternity later. बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद we got our boarding pass. Here is. ये रहा बोर्डिंग पास, इसके लिए हमने तकरीबन एक घंटे से ज़्यादा वेट किया है, इतना लंबा लाइन जो है हमने मारा है. लाइन में हम खड़े थे और आखिरकार नंबर आ गया एंड वी गॉट दिस. कुआला लंपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल सन्नाटा, खामोश, चुपचाप एयरपोर्ट है. अरे बाहर इतनी बड़ी लाइन थी और जहाँ पे आए तो यहाँ पे कोई नहीं है, बिल्कुल खामोशी है यहाँ पे. हमारा गेट नंबर सी है तो हम सी गेट की तरफ जा रहे हैं. और एयरपोर्ट जो है फिलहाल थोड़ा खामोश है और ये इन्होंने सारे जो फ्लाइट्स हैं इनके अपनी मलेशियन एयरलाइंस और ये वाला, ये हमारा है पाकिस्तान PIA इंटरनेशनल एयरलाइन, साथ में कतर और ये और कंट्रीज़ के जो सारे एयरलाइंस है ये इन्होंने यहाँ पे पार्क किए हुए हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विल फ्लाई दिस, इसके साथ जाएंगे. और ये बाकी इतिहाद एयरलाइंस और ये कौन सा है, इस पर नाम नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है. तो इमिग्रेशन से क्रॉस होके अब वेटिंग एरिया की तरफ जा रहे हैं. ये आपको ट्रेन के थ्रू लेके जाते हैं गेट की तरफ. मलेशिया एयरपोर्ट पे आपको गेट पे इस ट्रेन के थ्रू लेके आते हैं. हम अभी गलत रास्ते चले गए थे लेकिन अच्छा हुआ उन्होंने स्टाफ ने बता दिया कि इस रास्ते से जाओ, तो हम वापस सी की तरफ आ गए हैं और ना हम जी गेट की तरफ चले गए थे और वापस इस ट्रेन में आए. ये देख सकते हो आप, ये ट्रेन है और ये गेट की तरफ पहुँचे हैं. अभी वॉशरूम आया हुआ था, चलाना होगा
टिश्यू वगैरह भी नहीं है। अच्छा यहाँ पे ये लगा हुआ है रिव्यू, व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर रेस्टरूम। रेस्टरूम जो था साफ सुथरा था और अच्छा था, तो गेम को एक्सीलेंट, थैंक यू। ओ भाई वीआईपी लाउंज में बैठा हो, ठीक है वीआईपी है सब। और यहाँ वीआईपी तक पहुँचने के लिए जो हमारी चेकिंग हुई है ना, ऑलमोस्ट सब कुछ उतरवा चुके थे, बैग से सब कुछ निकलवा चुके थे सब, बस बहुत मुश्किल से पहुँचे यहाँ, इसलिए वीआईपी लाउंज तक पहुँचे, वरना यहाँ तक पहुँचना इतना ईजी नहीं। ओ भाई जहाज़ पहुँच गए हैं, सामने जहाज़ है, ये देखो रश, देखो रश, एक बार भी ऐसा ट्रैफिक जाम, सिग्नल टूटा हुआ है, काफ़ी रश है, वो रहा है जहाज, नहीं आ रहा नज़र, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, अंधेरा है नज़र नहीं आ रहा। ये रहो स्टेप अंदर जहाज, सीट पे बैठ गए हैं, ठीक है, और हमारी सीट जो थी वो वहाँ पे थी, उन्होंने हमारी सीट चेंज कर दी, वहाँ उस रो में थी हमारी सीट, एफ रो में थी, तो ये लोग मेरे यहाँ लेके आए, पता नहीं क्यों, फ्लाइट भी ऑलमोस्ट खाली है, ऐसा मसला नहीं है, वो भी विंडो सीट, ये भी विंडो सीट है, बाकी ये सिटिंग पोस्चर है, स्क्रीन वगैरह सब टच वगैरह लगे हुए हैं, अनाउंसमेंट शुरू हुए इनकी, ये बाहर कभी हुआ है, अंधेरा है कुछ सही से नजर नहीं आ रहा होगा, सामने फ्लाइट वगैरह खड़ी है, ये कुछ ऐसा लग रहा है। Few moments later. हाँ गाइस, तो अभी मैं यहाँ श्रीलंका कोलंबो एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ, तकरीबन पिछले 7 घंटों से मैं यहीं पे बैठा हूँ, क्योंकि हमें ट्रांजिट वीज़ा नहीं मिला, हमारा 24 आवर्स स्टे है यहाँ पे, तो हमने ट्रांजिट वीज़ा के लिए क्लेम किया है लेकिन हमें नहीं मिला, ये लोग कह रहे हैं कि आपको एडवांस में इसके लिए अप्लाई करना होता है,
तो हमने एडवांस में अप्लाई नहीं किया था, 24 hours पहले अप्लाई करना होता तो हमने नहीं किया था, इसलिए हमें ये नहीं मिला। वरना इसमें बहुत अच्छे ऑफर्स थे, मील, होटल, पिक एंड ड्रॉप सर्विस सब कुछ था, लेकिन हमने नहीं किया था अप्लाई। इसलिए अगर आप का स्टे किसी कंट्री में हो और 24 hours या इससे ज़्यादा हो तो आप एडवांस में जो है वो ट्रांजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया करो, ताकि ये सब ऑफ़र आप लोगों को मिल सके। अभी तकरीबन 7 घंटे हुए हैं हमारे यहाँ पे और 17 से 18 घंटे और भी रहते हैं, तो हम यहीं पे ही होंगे, यहाँ पे कहीं घूमेंगे फिरेंगे, पता नहीं कैसे गुजरेगा टाइम। तो बस ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।